अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमाद यूसुफ, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिज़विया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन और शाही करबलाई ट्रस्ट के ट्रस्टी के नूर मोहम्मद साहब के साथ। रिज़विया, आपके हवाले से कुछ सवाल हैं जो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो रिज़विया की मैं ज़रा आपसे हिस्ट्री जानना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या है, ज़रा बयान करेंगे। रिज़विया की हिस्ट्री ये है कि भाई ये सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे पहले सोसाइटी है, नंबर एक सोसाइटी है ये। हमारा वफाक के साथ ताल्लुक होता फेज़ वन का, फेज़ टू और फेज़ थ्री जो है वो सूबाई इसम्बली के अंडर में आती है। बाकी फेज़ वन जो है वो वफाक के साथ होता है। हमारा सरबरा जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। ये हमारी हिस्ट्री है और ये सबसे पहले पाकिस्तान की नंबर वन सोसाइटी है, पहला नंबर है। सीरियस नंबर में आओगे तो पहला नंबर है ये सोसाइटी। और उसका चेयरमैन जो बना हुआ था ये जो है ना आपके सामने 27/11/1949 को बनी, उस वक्त ये फाल हुई थी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा बाहर सोसाइटी के, हमने देखिए खुदाई का काम चल रहा था तो क्या वजूहत थी, वो काम रुकवा दिया गया और किसने रुकवाया? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने मोहतरम। बात ये है कि ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ उसमें से गवर्नमेंट के नाम पर काम करने के लिए आते हैं, खुदाई करते हैं। अभी हम यहाँ के यूसी से पूछते हैं कि भाई कि ये कौन से लोग हैं, ये जो काम करने के लिए आए ये कौन से लोग हैं। वो बताते हैं यार ये भी हमें भी पता नहीं है। तो फिर इनसे हम पूछ लेते हैं कि आपको किसने अथराइज किया है, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट काम दिया है आपको, तो उसका हमें थोड़े से तफसीलात बताते हैं। हम कानून को चैलेंज नहीं करते हैं, हम सरकारी अफसरों को चैलेंज नहीं करते हैं। हमारा एक थोड़ा सा राइट तो बनता है ना कि सोसाइटी के हिसाब से कि यहाँ जो भी आदमी काम करता है तो हम लोगों को भी तो बता सकेंगे भाई ये काम फलानी जगह की लोगों की वजह से होता है, ये डीसी कर रहा है या एसी करा रहा है या केएमसी करा रही है। तो हमें कुछ पता नहीं होता, आके खुदाई करके अपना काम करके चले जाते हैं। तो पहले मैंने मना किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए मना किया था, फलानी जो भी इदारे आते हैं उनके लिए मैंने मना किया था। तो फिर ये मेरे ऑफिस में आ गए। हमारे ऑफिस से कोई लेटर इशू नहीं होता है, हालांकि हम जिम्मेदार लोग होते हैं तो हमारे को पूछना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहिए या कोई इनको इनओसी देता तो वो कहना चाहिए फलानी जगह में इनका ऑफिस होता है वहां जाके मालूम करें तो हम उसको ओके कर लेंगे। ये अपनी तरफ से काम करा के बंदे लगा के करा के खुदाई करके चले जाते हैं, उसके बाद जो खुदाई करते हैं वो बराबर भी नहीं करते, इसी तरह चले जाते हैं। तो फिर हमारे से सवाल उठता जाता है कि भाई कि आप लोग करते क्या हो, आप लोगों ने कुछ पूछते नहीं ये नहीं। तो हमने पूछा, फिर लाए बंद किया, फिर उन्होंने हमसे धोखा किया गया। ये तकरीबन 7-8 साल से हमारे यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है, सीवरेज का हो या रोड का हो। हमारे को महरम में इतनी तकलीफ हो गई 7 साल से। देखो अभी आप देख लो, आप खुद मौजूद हैं, अभी आप जाकर खुद देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई कोई काम नहीं हुआ है, गड्ढे गड्ढे हैं, जगह जगह में गड्ढे हैं, बारिश में इतने हम परेशान होते हैं, परेशानी होती है। फिर कोई डिपार्टमेंट सुनता नहीं है, कोई मकमा भी नहीं सुनता हमारी बात को कि भाई कि ये है, हम लेटर लिख के थक गए हैं आप देख लेना। फिर जब मारूम में आते हैं हमारे पास डीसी आता है, एसी आता है, सेक्रेटरी आता है, एसपी आता है, डीएसपी आता है, ब्रिगेडियर आता है, कर्नल साहब आते हैं, सब ने देखते हैं, वो आके देखते कहते हैं हम भी अपना हिस्सा डलवा दें। सर ये खुदाई जो हुई है, अगर आपने अभी तो काम आपने रुकवा दिया है, ऐसी रोड पर खाली पड़े हुए हैं तो अभी भी लोगों को तो परेशानी हो रही है सफ़र करने में, मुसाफिरों को, तो फिर इस पर क्या इकदाम होंगे आप? ये मेरा भाई ये भी बहुत अच्छा अहम सवाल किया आपने। बात ये है कि यार ये जब काम करते हैं तो किसी को तो पता तो चले ना, तो आज 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे या 4 दिन लगेंगे, उसके बाद हम ये बराबर करके चले जाएँगे। लेकिन हुआ ऐसे नहीं। तो उस दिन मैंने देखा था तो ये लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई रोक लो, यहाँ आ गए, अंदर आ गए। मैंने रुकवाया है और मैं रुकवा दूंगा और मैं करने नहीं दूंगा इनको। भाई किसी का तो कोई एनओसी तो हो ना, किसी डिपार्टमेंट का कुछ तो हो ना, डीसी ने आर्डर किया तो डीसी का कोई चीज़ तो हो ना। मैं डीसी को थ्योरी कहता हूँ, डीसी कौन होता है? डीसी हमारा सरबराह होता है, इंतज़ामिया में आता है, वो काम कराता तो बहुत ही अच्छी बात। हम फिर डीसी के पास जाते हैं तो वहीं काम तो वहीं कराते हैं ना वही लोग, लेकिन कुछ भी नहीं इनके पास। आके काम मैंने रुकवा दिया, उसने आके मेरे पास दफ्तर में आया कि हम आपका काम का ये सारा जो है ना हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो मैंने कहा कि बर्दाश्त इस तरह से नहीं होता भाई, आज काम करोगे कल शाम को वापस चले जाओगे, ये हमें काबिल कबूल नहीं। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे ये काम रुकवाया, कुछ ही हाल ही में हमें पता चला था कि न्यू रिज़विया में भी ये काम हो रहा था रोड खोद के, वो काम पाया तकबील तक पहुँचा
तो तब आपने नहीं रुकवाया था वो काम न्यू रिज़विया में? नहीं, वहाँ का सेक्रेटरी साहब होते हैं, तो मैंने क्या ये कहा कि भाई आप वहाँ का काम करवा देना और यहाँ का काम मैंने खुद जिम्मा लिया, तो बीच में कोई मसला होता तो हम चले जाते हैं वहाँ देखते हैं। तो लेकिन सेक्रेटरी ने हमें कोई शिकायत नहीं की, शायद उनके मकसद पूरे हुए होंगे तो उन्होंने नहीं किया हमारा, तो मैंने अंगुल में नहीं किया। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरे यहाँ तो कोई काम करने वाला ही, मतलब वहाँ जब ये काम हो रहा था वो बात आपके इल्म में थी, लेकिन सिक्योरिटी साहब ने आपको कोई शिकायत नहीं की कि वहाँ के लोग परेशान नहीं है? ना कोई मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने शिकायत की, ना सिक्योरिटी साहब ने कोई शिकायत की, नहीं किए तो फिर मैं इसी तरह रहा। वो देख रहा है वहाँ का काम सिक्योरिटी देख रहा है, यहाँ का काम मैं खुद देख रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये थे रिज़विया कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सवाल जो आपने जाने। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। कैमरा मैन फैज़ अब्बास के साथ हम्माद यूसुफ़, वीओके न्यूज़ कराची।